नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माई सक्सेस पॉइंट में। साथियों, आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स जो 2017 से संबंधित हैं उन पर चर्चा करेंगे और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2017 अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2017 किसे दिया गया है? दोस्तों, ये एक पुरस्कार है जो बच्चों के लिए अच्छा करने वाले के जो 18 साल से कम है और बच्चों की भलाई के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दिया जाता है। तो ये 2017 का पुरस्कार दोस्तों मोहम्मद अलजोंडी जो 16 साल के हैं और सीरिया से संबंध रखते हैं, सीरिया में ये एक कैंपेन में 200 से ज़्यादा बच्चों को लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो अब की बार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद अल जोंडी को जो सीरिया से हैं। ये पुरस्कार पहले यूसुफ मलाला जई को भी दिया जा चुका है दोस्तों 2015 में। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर, तमिलनाडु और केरल में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तमिलनाडु और केरल में दोस्तों ओखी नाम का चक्रवाती तूफान आया है जिसने गुजरात को भी काफ़ी स्तर पर प्रभावित किया है। तो चक्रवाती तूफान जो 2017 में आया है तमिलनाडु और केरल में, ओखी। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में आयोजित भारोत्तोलन की विश्व प्रतियोगिता में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है मीराबाई चानू जो मणिपुर से संबंध रखती हैं। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने भी 2 बार भारोत्तोलन की विश्व प्रतियोगिता में 2 बार गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। तो 2017 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन की विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के 29वें प्रधान न्यायाधीश का क्या नाम था? कौन थे 29वें प्रधान न्यायाधीश? ये रिसेंटली A.S. आनंद जो अभी जिनका देहांत हुआ है रिसेंटली, वो 29वें प्रधान न्यायाधीश थे, A.S. आनंद। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का न्यायालय लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न, यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में दोस्तों ऑंद्रे एजोले को नियुक्त किया गया है जो कि फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्री थी। ऑंद्रे एजोले ये एक लेडी हैं जो फ्रांस से संबंध रखती हैं और फ्रांस में इन्हें संस्कृति से संबंधित मंत्री पद दिया गया था। अब ये यूनेस्को के महानिदेशक पद पर कार्य करेंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क बनने वाला है जो गुरुग्राम शहर के काफी नज़दीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत और किस देश के बीच अजय वारियर 2017 शुरू हुआ है? तो अजय वारियर 2017 यूके यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में ये चल रहा है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सम्मेलन में कितने देश भाग ले रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सम्मेलन में 60 देश भाग ले रहे हैं दोस्तों जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये अपने प्रकार का पहला सम्मेलन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सम्मेलन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 या 3 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 60 देशों ने। कब आयोजित किया गया? 2017 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है, दिया मिर्जा जो एक अभिनेत्री हैं।
तो दोस्तों ये आज के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा उपयोगी जो बहुत संभावना रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इनका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दिवस भारत के लिए दिया मिर्जा। अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सम्मेलन ये पहला सम्मेलन है, 60 देश भाग ले रहे हैं, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अजय वारियर 2017 भारत और यूके के बीच में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। उसके पश्चात यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में आंद्रे अजोले जो फ्रांस से संबंध रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का न्यायालय लंदन में। 29वें प्रधान न्यायाधीश जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है, एएस आनंद। उसके बाद विश्व प्रतियोगिता भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला मीराबाई चानू जो मणिपुर से हैं। तमिलनाडु और केरल साथ में गुजरात को अफेक्ट करने वाला प्रभावित करने वाला तूफान ओखी। और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2017 मोहम्मद अलजोंडी सीरिया। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। इसी प्रकार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।